अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। दोस्तों, इस रोबोटिक टैंग की कई खासियत है। पहली तो ये टैक्सी से भी तेज दौड़ सकता है। दूसरा, इसका किराया टैक्सी टेम्पो से काफी कम होगा। और तीसरी खासियत ये है कि इसे जिस जगह का नाम बोल दोगे, ये अपने आप तुम्हें उस जगह पे ले जाएगा। यार बड़े भैया, आपने तो ये टांगा बनाकर कमाल कर दिया। उड़ी बाबा, साथ में कमाल हमारा भी है, क्योंकि मोटू पतलू का हर बिजनेस फ्लॉप हो रहा था, तो हमने डॉक्टर झटका से बोल के तुम्हारे लिए ये स्पेशल रोबोटिक टांगा बनवाया है। तुम्हारा ये बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। हाँ हाँ, क्योंकि टांगा चलाने का तुमको 20 साल का तजुर्बा जो है। तो दोस्तों, जल्दी से मुहूर्त हो जाए। हाँ, लेकिन चिंगम सर उधर बच्चों के साथ टांगे में बैठ के क्या कर रहे हैं? सर, मुहूर्त का नारियल नहीं तोड़ना है क्या? अयो, मैं नारियल नहीं तोड़ूंगा। मैं जब भी नारियल तोड़ता हूँ, किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, नारियल मैं तोड़ देता हूँ। अब चलो फुरफुरी नगर का चक्कर लगा कर आओ। कमलपुर 10 रुपए, कमलपुर 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, कमलपुर 10 रुपए, कमलपुर 10 रुपए, कमलपुर 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, कमलपुर 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। हाँ, 10 रुपया, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। 10 साल बाद तो कमलपुर पहुँच ही जाओगे। तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो यार। ये रोबोटिक टांगा है, ये इतनी तेज चलेगा कि हवा से बातें करता निकल जाएगा और तुम लोग देखते रह जाओगे यार। अभी पता चल जाएगा, अगर मेरे चाय पीने तक वापस आ गया तो सचमुच तेज है। जाओ मोटू पतलू, सवारी लेकर फौरन जाओ। अरे भाया, मैं चलता हूँ तुम्हारी सवारी बनकर। हाँ, अरे अच्छी सवारी मिलेगा भाया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रंगा भैया, ऐसा तो हो चुका और बार बार होता रहेगा। चेक करके लाइन में आओ, लाइन में आओ। अरे भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। रुक जाओ, अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तोड़ दो टांगा। अरे ऐसे कैसे तोड़ देंगे, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये टांगा चुरा लो तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा बॉस। हम बैंक लूट कर इस टांगे पे बैठ कर भागेंगे तो चिंगम हमें पकड़ नहीं पाएगा, समझे? हेलो जग्गा भाई, मोटू नाम के आदमी ने रंगा को जेल भिजवा दिया है। जग्गा के भाई को जेल भिजवाया? मैं उसे अपने भाई को जेल भिजवाने का बदला लूंगा। ये मोटू कौन है? होगा कोई फुरफुरी नगर का भाई, जैसे हम यहाँ के भाई हैं। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। जग्गा द ग्रेट, बाकी सबको कर दूंगा मैं लेट। मोटू को फुरफुरी नगर में नहीं, यहाँ बुला के मारेंगे।
यहाँ। चलो अब दिमाग का इस्तेमाल करो और चिट्ठी लिखो। लिखो। मोटू, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम बहुत छोटे थे जब मैं आखिरी बार तुमसे मिला था। मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम आके मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लो। इसे लेकर फुरफुरी नगर के लोगों का भला करना। मेरा पता है जग्गा चाचा कमलपुर पोस्ट ऑफिस के सामने। मोटू, बात तो खुशी की है। अब चलो जल्दी से तैयारी करो और फौरन चलते हैं कमलपुर जग्गा चाचा के पास। बटन दबाओ। नहीं आता। मोटू, ये बताओ कि तुम्हारे घोड़े को टांगे में कैसे लगाते हैं? अरे इसमें क्या मुश्किल है, पहले ग्रीन बटन ऑन करो बस, फिर घोड़ा टांगे में लगा लो, फिर स्टार्ट बटन दबाओ और जगह बताकर चल दो। थैंक यू मोटू, थैंक यू। मेंशन नॉट। अरे मोटू, ये क्या किया, चोर को रास्ता बता दिया। बाय बाय मोटू पतलू, मैं चला जग्गा चाचा से मिलने। अरे मोटू, वो टांगा भी ले गया और प्रॉपर्टी भी, क्योंकि चाचा तो तुम्हें पहचानते नहीं है तो उसे ही मोटू समझेंगे। हे, तुम ही हो फुरफुरी नगर के हीरो मोटू। ही मोटू हूँ, आपको कोई शक है क्या? अगर शक है तो उसे यकीन में और मीठे को नमकीन में बदल देता हूँ। वाह शाबाश। अच्छा बताओ तुम्हें क्या पसंद है, समोसे? हाँ जी हाँ, मुझे समोसे बहुत ही पसंद है। आप खिला रहे हो क्या? खिलाएंगे खिलाएंगे, समोसे के साथ चटनी भी खिलाएंगे। पहले ये तो बता दो, क्या तुम्ही ने रंगा को जेल भिजवाया था? हाँ चाचा जी हाँ, इतना बहादुरी का काम मेरे सिवाय दूसरा और कौन कर सकता है। लेकिन चाचा जी, इन फालतू बातों में क्या रखा है, आप कितने दिनों के बाद मिले हो, आओ मुझे गले लगा लो। मैं तुम्हारा चाचा नहीं, रंगा का भाई हूँ, और उसे जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। साथियों, इसे करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दो। मोटू नहीं हूँ, मैं हूँ जान दादान। मोटू वो सामने खड़ा है, वो है मोटू। ले लो जान, करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लो। मोटू पतलू मुझे बचा लो, ये लोग तो मुझे रुपए की तरह ढूंढ रहे हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। भला हूँ बुरा हूँ चोर हूँ डाकू हूँ, लेकिन हूँ तो फुरफुरी नगर का ही। बचा लो। बस जगह भाई बस, अब रुक जाओ। अब बात हमारे फुरफुरी नगर की आ गई है, अब इसे मारना बंद कर दो वरना ठीक नहीं होगा। मारो, पटक पटक के मारो, मोटू पतलू बचने न पाए। आओ भाइयों, सबका स्वागत है। आज क्या कहाँ जाएंगे?
जान है तुम्हारे इन हाथों में, लेकिन टांगे में जगह कम है। चलो बाहर चलते हैं। ये सब क्यों किया? मेरे भाई रंगा को तुमने जेल भिजवाया था इसलिए। ओके, इतना भाई प्रेम अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तुम भी जाओ अपने भाई के पास। नहीं, भैया। अरे अरे, आप यहाँ कैसे? बड़ी दर्दनाक कहानी है, जाने दो, फिर कभी बताऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।